गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम एंड एन्जॉइंग योर डेज एट होम. बट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ बेटा. अपने हेल्थ के बारे में बहुत केयरफुल रहना है. ठंड बढ़ रही है, अपना ध्यान रखना है. कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी या कुछ ठंडे में नहीं घूमना ज़्यादा कि आप बीमार हो जाएं. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ है तो सब कुछ ठीक है. ओके, लेट्स डू टुडेज वर्क. आज हमारा वैदिक गणित की क्लास है, उसमें हम आज की डेट मेंशन करेंगे. डे ऑनलाइन क्लास. और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3. हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 तक नोटबुक में कर लिया है. कुछ बच्चों की नोटबुक्स चेकिंग के लिए आई थी, उसमें से जिनका काम कंप्लीट नहीं था उनको बता भी दिया गया है. लेकिन फिर भी बेटे, अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 तक काम कंप्लीट नहीं किया है नोटबुक में तो उसको कर लें. सेकेंडली, आपको जो मैंने ट्रिक सिखाई हैं तीन, एक तो 55 को 55 से मल्टीप्लाई करने वाली है ना, एक ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे क्या है 5, उसको खुद से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं. सेकेंड वन, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिखाया है ना. और एक सिखाई है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कैसे जल्दी से आ सकता है. ये तीन ट्रैक्स और अब तक जितनी एक्सरसाइजेस कराई हैं ये सब आप नोटबुक में कंप्लीट ज़रूर कर लें बेटा. नोटबुक्स के मार्क्स लगने हैं, ये काम पूरा होना ज़रूरी है. ओके, यस, योर एक्सरसाइजेस है एंड द क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नेगेटिव नंबर, मतलब विनिकुलम नंबर. आपने विनिकुलम निकालना सीखा था ना पहले, जनरल नंबर से विनिकुलम निकालना सीखा था. अब आपको विनिकुलम मतलब नेगेटिव नंबर से आपको उसको जनरल नंबर में कन्वर्ट करना सीखना है. वापस हमने वहीं पे जाना हो जहाँ से हमने शुरू किया था. देन हाउ विल वी डू, व्हाट स्टेप्स विल बी कंसीडर्ड, कैसे करेंगे देखते हैं. अभी देखो, यहाँ मैंने एक्सरसाइज लिखी, क्वेश्चन नोट डाउन किया जैसे आपको बोला साथ साथ. फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 24. ये आपको पता है ना, विनिकुलम नंबर में इसके ऊपर बार ज़रूरी होती है ना, अदरवाइज वो जनरल नंबर रह जाता है. ये बार ज़रूरी है, ये बार हमने लगा दी तो हमारा ये नंबर क्या बन गया, नेगेटिव नंबर या विनिकुलम नंबर 24 बन गया. अब इससे जनरल नंबर कैसे निकालेंगे, हाउ. 10 माइनस वंस प्लेस को 10 में से माइनस करना है. 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 6. और जो सबसे ज़्यादा आगे वाला नंबर है, अभी अगर इससे पे और होते जिन पे बार होती तो उनका डिफरेंट तरीका था, लेकिन अब किसी और पे बार नहीं है तो जिस पे बार नहीं होती उसमें से 1 माइनस कर देते हैं. 2 माइनस 1 1, इट इज़ माय आंसर. मतलब मैंने आपको क्या कहा, ये वंस प्लेस है ना, उसको 10 में से माइनस करना होता है ये वंस. यहाँ पे आंसर आ जाता है जिसके ऊपर बार नहीं होती, नो बार, उसमें से माइनस 1 करना होता है तो आंसर आ जाता है. यही कराया ना मैंने, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज 43. कैसे करेंगे अब देखो, 10 माइनस 3 7, जिसपे बार थी उसको 10 में से माइनस किया और बिना बार वाले में से 1, बिना बार वाले में से 1 माइनस करना है. 4 माइनस 1 3, इट्स माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31, बार वाला 10 में से माइनस करना है, 10 माइनस 1 9, और जो विदाउट बार है उसमें से 1 माइनस करना है, 3 माइनस 1 2, आ गया ना. नेक्स्ट देखो,
जो बार वाला है उसको 10 में से माइनस करना है. 10 माइनस 2 8 एंड 2 माइनस 1 1 आ गया. नेक्स्ट पे आ जाओ. मैं यही कर रही हूँ, आप नेक्स्ट पेज पे कीजिएगा बेटा. अब ये तो दो डिजिट्स आ गए बार वाले. अब क्या करना है, बी केयरफुल. वंस प्लेस को 10 में से ही माइनस करना है. 10 माइनस 3 7 और जो नेक्स्ट है उसको 9 में से, जो नेक्स्ट प्लेस है उसको 9 में से. 9 माइनस 2 7 और जो बिना बार वाला है उसमें से 1 माइनस करना था. 1 माइनस 1 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा. बार वाला नंबर वंस प्लेस पे 10 में से माइनस करो. 10 माइनस 4 6 उससे अगला नंबर बार वाला 9 में से माइनस करो. 9 माइनस 4 5 बिना बार वाले में से 1 माइनस करो. 3 माइनस 1 2 हो गया. गुड. अब तो आप सबको आ गए ये सारे सम्स. ये मेरे सियाने से बेटे हैं. टेन माइनस वन 9 9 माइनस 3 6 3 माइनस 1 2 नेक्स्ट क्वेश्चन. टेन माइनस 4 6 9 माइनस 3 6 1 माइनस 1 0 10 माइनस 2 8 9 माइनस 3 6 4 माइनस 1 3 है ना इजी. तुम आ गए लास्ट सम पे. टेन माइनस 4 6 9 माइनस 3 6 5 माइनस 1 4 अब हमारे पास ये सारे सम्स बिल्कुल क्लियर विजिबल है और हम इनको ध्यान से अपनी नोटबुक में कर लेंगे. अगर कोई क्वेश्चन जैसे 6 की जगह 7 या 7 की जगह 6 हो गया तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर ठीक होना चाहिए बस और मेथड करेक्ट होना चाहिए. सो नो नीड टू बॉदर कि हमने नंबरिंग कहीं गलतियाँ चेंज कर दी है तो. ओके बेटा, टेक केयर. और आप सबसे यही उम्मीद है कि नेक्स्ट सैटरडे तक आप सबकी नोटबुक्स कंप्लीट मिलेंगी मुझे वैदिक गणित की. और मैं जब भी मंगाऊंगी तब मुझे किसी बच्चे को, एक बच्चे को भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि बेटे आपका कोई काम पेंडिंग है क्या. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और भगवान जी आपको हमेशा बहुत सारा खुश रखें. बाय बाय.